हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आंखों के विजन को शार्प करने के लिए नेचुरल रेमेडीज क्या हम यूज करें जिससे कि आंखों का विजन हमारा शार्प रहे। इसमें दो चीजें हैं कि अगर हमारी आंखों में नंबर आ चुका है तब हम क्या करें और अगर हमारी आंखों में नंबर नहीं आया है तब हम क्या करें, कैसे हम अपनी आंखों की केयर करें, इन दोनों ही चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम उन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आंखों के विजन को शार्प बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि समय पर खाना, जो आज के समय पर नहीं लोग करते, लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने समय पर ब्रेकफास्ट प्लस लंच फिर डिनर, ये तीनों चीज़ें समय पर करनी है। और कोशिश ये करिए कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए, यानी जैसा कि लंच और डिनर होता है उस जैसा कुछ कुछ। बेसिकली देखा यह जाता है, जब हम खुद कॉलेजेस और स्कूल्स की विजिट करते हैं तो पता ये चलता है कि लोग सिर्फ दिन में दो बार सही से खाना खाते हैं, या कुछ तो ऐसे भी हैं जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। जब दिन में आप एक बार खाना सही से खाएंगे तो फिर आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपको पूरी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल चुकी है और जिससे कि आप फिट रहेंगे। तो जब आप फिट ही नहीं रहेंगे और रिक्वायर्ड जो आपकी ज़रूरत है जितने पूरे दिन में विटामिन और मिनरल्स की, वो आपको खाने से नहीं मिल पा रही है, तो फिर आँखें भी स्वस्थ कैसे रह पाएंगी। तो इस गलती को आपको सबसे पहले सुधारना है कि आपको समय पर खाना खाना है, कोई भी खाना स्किप नहीं करना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो टिफिन कैरी करके घर से लेके जाइए। दूसरी बात यह है कि अब अगर आपका विजन ऑलरेडी कम है, नंबर आ चुका है आंखों में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको अपनी आंखों की केयर ज्यादा करनी है। और उसके लिए सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना ही है, और दूसरा जो आई एक्सरसाइज के बारे में हमने पहले भी बताया था आपको, जो इस आई बटन में भी है, आप उनको देख सकते हैं और आई एक्सरसाइज को घर पर आराम से कर सकते हैं। दिन में दो बार करनी है बिना चश्मे के, आपको उन एक्सरसाइज को करना है। दूसरा ये है कि जो हमारा खाना हम खा रहे हैं उस खाने में हमें ये ध्यान रखना है कि किस खाने में हमें कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम ऐसे तो ज़्यादा नहीं ध्यान रख सकते। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जितनी भी ग्रीन लीफ और ग्रीन वेजिटेबल होती है वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, उन्हें हमें ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम ध्यान दें एक नॉर्मल वे में कि अगर जो पीले रंग के जो फल दिखते हैं या फिर सब्जियां दिखती हैं तो उनको हमें अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि दे आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्लस विटामिन ए ऑल्सो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पीले फल मिले उन्हें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। पीले फल में अगर हम सबसे ज़्यादा फोकस्ड करें और विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो एप्रिकॉट, जिसे हम खुरमानी भी कहते हैं, वो आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी डाइट में। और वो मोस्टली जब भी मार्केट में अवेलेबल हो तो आप उसको खरीदें और उसको इस्तेमाल करें। तो उसमें जो विटामिन ए का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स की जैसे मैंने, आप जानते ही हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारे विटामिन प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसमें तो क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं तो इसलिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर आप उन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करिए। एक चीज़ और कि नॉर्मल सब्जियों में अगर हम बात करते हैं तो गाजर के बारे में हम जानते ही हैं कि वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन साथ ही साथ पम्पकिन जो है, जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर वेजिटेबल्स में देखा जाए तो विटामिन प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्लस विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, और उसको ज़रूर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। और आँखों के मामले में, स्किन के मामले में भी उसमें काफ़ी कुछ मौजूद है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर खाने में आपने पम्पकिन को इस्तेमाल नहीं करा है तो ज़रूर उसको वीकली ज़रूर इस्तेमाल करें, जो कि पूरी फैमिली के लिए एक बेस्ट न्यूट्रिशनल प्लस एंटीऑक्सीडेंट की एक अच्छी डाइट है। तीसरा एक चीज़ और कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ में कुछ और चीज़ ऐड करके लेना चाहते हैं तो उसमें आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट प्लस उसमें आप सौंफ प्लस आप उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर, दूध में मिलाकर उसे ले सकते हैं। दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, और हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो जो वज़न जितना भी आ गया है, जितना ख़राब हो चुका है या जितना नंबर आपका आ चुका है, वो वहीं स्टेबल हो जाएगा। या फिर अगर आपकी आंखों में नंबर नहीं आया है तो फिर आगे जल्दी आंखों में नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप न्यूट्रिशनल डाइट ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि हमें एट ए स्ट्रेच किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार नहीं देखना है, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो या बुक्स हो। हमें बीच बीच में ब्रेक जरूर लेना चाहिए जिससे कि आंखों में मूवमेंट बना रहे और हमारी आंखें ठीक रहें। आंखों के मूवमेंट की बात यह होती है कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे देख रहे होते हैं और लगातार हम एट ए स्ट्रेच देखते हैं तो मूवमेंट खत्म हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, जिससे कि आंखों में रिफ्रैक्टेड एरर भी आ जाता है।
जाता है। लेकिन उसमें जो बताया जाता है कि आँखों में मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट के लिए मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़, चाहे बुक है, मोबाइल है या टीवी है, अगर हम लगातार उसको लगातार ऐसे देख रहे हैं तो कुछ देर के बाद हमें थोड़ा दाएँ बाएँ यहाँ ऐसे ऊपर नीचे देखकर फिर अपने कंटिन्यूस उसको देखते रहना। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, आप मूवी भी देख सकते हैं मोबाइल पर, लेकिन बीच में ब्रेक जरूर लेना चाहिए और उसमें आँखों को प्रॉपर मूवमेंट भी देना चाहिए। एंड एट लास्ट, किसी की भी आँखों में अगर नंबर है और नंबर -1 के आसपास है या उससे ऊपर है, तो फिर आप सबसे बेटर तो यही है कि आप चश्मा लगाइए। और अगर कोई कंपल्शन ऐसा है कि जिसमें आपकी मजबूरी है आंखों को 6x6 विज़न कराने की, तब आप फिर लेसिक लेज़र के बारे में सोच सकते हैं। और इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन में भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उन वीडियो को सर्च कर सकते हैं। उसके सिर्फ ऑप्शंस लेज़र के ही ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जो अगर जॉब के पर्पज़ से आप उनको कराना चाह रहे हैं तो वो बहुत कॉस्टली भी हैं, लेकिन भारत में अभी सिर्फ 5 ही जगह होते हैं आप उन्हें करा सकते हैं। तो वेल, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत सारी दूसरी और भी चीज़ों पर, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।